आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सात बैंकों के 37 खातों की जांच, बड़े पैमाने पर लेनदेन सामने आए। घनाराम कंस्ट्रक्शन के 5 लॉकर सीज किए गए। बड़े पैमाने पर ज्वेलरी बरामद की, जिसका किया जा रहा है मूल्यांकन। सीए के घर के बाहर इनकम टैक्स के अफसर जमाए हैं डेरा। कार्रवाई के डर से सीए नहीं आया घर। बिल्डरों के पार्टनरों के घर पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। घनाराम कंस्ट्रक्शन के मालिक कौन? इनकम टैक्स ने श्याम सुंदर यादव और विशन सिंह यादव के घर से लेकर झांसी के कई दफ्तरों में छापेमार कार्रवाई की है। यूपी के मशहूर घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी में वे दोनों डायरेक्टर हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। नोएडा, झांसी, लखनऊ समेत कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची और कंपनी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। छापेमारी का मुख्य केंद्र घनाराम कंस्ट्रक्शन का झांसी स्थित वह ठिकाना था जहाँ से कंपनी संचालित हो रही थी। ऐसे में आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापे क्यों पड़ रहे हैं, इस कंपनी का क्या इतिहास है और कैसे 25 साल के सफर में एक ठेकेदार की यह कंपनी उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। इस कंपनी का समाजवादी पार्टी और उसके पूर्व विधायक से क्या कनेक्शन है, आइए सब कुछ बताते हैं। सपा से जुड़े हैं कंपनी के डायरेक्टर। बुंदेलखंड के अरबों के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करने वाली घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी बुंदेलखंड की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में शुमार है। घनाराम कंस्ट्रक्शन समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC श्याम सुंदर यादव की है। उसमें श्याम सुंदर यादव और उनके भाई विशन सिंह यादव डायरेक्टर हैं। 3 दशक पहले झांसी जिला परिषद और रेलवे की ठेकेदारी करने वाले श्याम सुंदर यादव ने अपने दिवंगत पिता घनाराम यादव के नाम पर इस कंपनी की नींव रखी थी। भूपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।